हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो? हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। ये हमारा फर्स्ट दिन है। आज हम एक प्यारा सा डिज़ाइन बनाने वाले हैं इस तरह से। तो आप मेरा ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। मेरा ये अस्तर है, हम इसमें सिलाई करेंगे। ये वाला अस्तर हमने मेन फैब्रिक में रख दिया है। अब हम इसका ये वाला जो किनारा है इसको सिलाई करेंगे, और साथ ही में इस तरह से ऐसे हम सिलाई करेंगे। यहाँ से इस प्रकार से सिलाई करेंगे। हम इस तरह से इस किनारे पे हम सिलाई करेंगे। हाँ, मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है इस तरह से। ये निशान ऐसे करके यहाँ जाएगा सिलते हुए, और ये वाला इस तरह से ऐसे जाएगा। तो ऐसे आपको निशान कर लेना है बीच सेंटर से, और इसको सिलाई करनी है। ये देखो, मैंने इसको सिल के रेडी कर लिया है। अब ये वाला जो भाग है इसको हम कट करके निकाल देंगे। ये वाला भाग को कट करके निकाल देंगे। ये हमने कट करके निकाल दिया है, और इसका जो बीच सेंटर है उसको हम इस तरह से अलग कर लेंगे, और छोटे छोटे इस प्रकार से हमें कट्स कर देने हैं सब तरफ। यहाँ भी छोटे छोटे कट कर देना है। उसके बाद मैंने इसको इस तरह से पलट लिया है, और इसको हम पलटने के बाद किनारे पे इसको कच्ची सिलाई कर देना है। इस तरह से अब पूरे किनारे में हमें सिलाई लगाना है। ये देखो, मैंने इसको सिलाई कर लिया है, और इस तरह से ये बन के रेडी हुआ है। तो हम इसको और डिजाइन बनाने वाले हैं। इसमें हमें लेस लगाना है। ये हमारा सिल्क रेडी हो गया है। अब हम इसके किनारे पे यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से ऐसे के ऐसे हम इस लेस को लगाएंगे। इस तरह से हम रखेंगे लेस को और किनारे पे लगाएंगे। ये हमारा लग के रेडी हो चुका है लेस। देख सकते हो कितना सुंदर से बना हुआ है। और ये वाला भाग को हम ऐसे इस तरह से सिलाई करेंगे, और यहाँ पे हम डिजाइन लगाने वाले हैं। और इस तरह से हम डिजाइन बनाने के लिए दो डोरी लेंगे, और इसके नीचे में गोटा लगाएंगे। इस प्रकार से छोटे टुकड़े कर लिए हैं कपड़ा के, चार चार है ये, और हम इसमें इसको लगाएंगे। हमने इस तरह से मोती इसमें लगा दिया है, और ये दोनों को इस किनारे पे इसमें लगाएंगे। इस तरह से बन के हमारा रेडी हो गया है। और हम इसको इस ब्लाउज में यहाँ पर इसको जोड़ के इस तरह से इसको इसमें ऐसे लगाने वाले हैं, और यहाँ पे फूल बनाएंगे। हम इस दोनों को इस तरह से जोड़ेंगे। इस तरह से जोड़ने के बाद ये जो बना के हम रखे हैं इसको, एक को थोड़ा बड़ा और एक को थोड़ा सा छोटा, इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे इसको थोड़ा सा इधर निकले हुए ऐसे हम लगाएंगे। देख सकते हो लग के रेडी हो गया है। फिर हमने छोटा सा कपड़ा ऐसे बनाया है, इसको इस तरह से बीच में रखेंगे, और इसको भी सुई की सहायता से ऐसे इसको निकालेंगे, और एक यहीं पे एक मोती लगा देंगे इसमें।
ऐसे मोती लगा के इसको देख सकते हो कितना प्यारा डिजाइन बन के रेडी हो चुका है। फोटो फ्रेम।